माफी का जरिया बनती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह आल इमरान में फरमाता, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 195 में, और कहता है, तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और इन्हें मेरे रास्ते में ईजा तकलीफ दी गई और लड़े और कत्ल किए गए, यकीनन इनसे इनकी बुराइयां जरूर दूर कर दूंगा। सहाबा के बारे में क्या फरमाया, वो लोग, अल्लाह फरमाना, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, अपने घर से निकाले गए, मेरे रास्ते में तकलीफ पहुंची, लड़े और खुद कत्ल किए गए, इन लोगों के जरूर मैं जो है गुनाह माफ कर दूंगा। गुनाह माफ, जो तकलीफ से ना, हिजरत भी एक तकलीफ है, सारी चीजें तकलीफ, तकलीफ से माफी मिलेंगी। सही बुखारी के। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।